अच्छा सीकर जी, आप बोलिए जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो मैलीज मैम, हेलो लाबेल मैम, हेलो एवरीवन मैम, हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैम, बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपने बैंड बजा रखी है सबकी, और मैम बहुत सही आपका, आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लास्ट टाइम भी आपके उस पर आया था, आपके उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एंड मैम, सबसे बड़ी बात यही है कि आज के टाइम में ना, मतलब जैसे मोस्टली मैं स्टूडेंट ही हूँ अभी, तो बहुत सी चीज़ें हैं जैसे मुझे इस्लाम की अच्छी लगती थी, लेकिन जैसे मैंने थोड़ा सा कुछ भी कुछ पूछने की कुछ जानने की कोशिश की ना इस्लाम के बारे में, तो जितने भी दोस्त थे वो एकदम से, और हाँ मतलब इस्लाम के साथ ठीक है, मैं इस्लाम अगर फॉलो करता हूँ तो मैं उनसे पूछता था कि अगर मैं ऐसे मस्जिद मस्जिद में जा सकता हूँ तो मंदिर में क्यों नहीं जा सकता, तो वो एकदम से बोलते थे, वो क्रिटिसाइज़ करने आते थे कि ये है, ये है, ये है, और आप ऐसे नहीं कर सकते। तो इस्लाम की अगर तरफ जाओ ना तो वो सिर्फ क्रिटिसिज्म सिखाता है कि हाँ वी आर द बेस्ट और बाकी सब वो नहीं है। तो मोस्टली जो आज, और जबकि जैसे अभी लास्ट टाइम आपके चैनल पे अमित तिवारी सर थे, तो उन्होंने राम राम जी के बारे में बोला था कि उन्होंने जो अपनी वाइफ को है, जब वो वहाँ से आ गए थे और उन्होंने अपनी वाइफ को अकेले वन में भेज दिया था, दैट टू प्रेग्नेंट वाइफ, तो उन्हें वो नहीं करना चाहिए था बिल्कुल। लेकिन मैंने यही चीज़ अपने जैसे घर में है सबसे पूछी, पापा से पूछी और बाकी सबसे पूछी, और मतलब जो जितने भी मतलब हमारे यहाँ पे जो अवेलेबल होते हैं उनसे पूछी, तो मैम उन्होंने आराम से की, और मैंने उनके ऊपर आर्ग्यू किया, काउंटर किया, और मैं एक तरीके से अगेंस्ट द मोशन ऑफ द राम था, बट किसी ने ऐसा नहीं हुआ कि कोई मतलब एकदम से मेरे सर पे मतलब तलवार लेके खड़ा हो गया या कुछ लेके खड़ा हो गया। मैम ये अब जैसे जैसे बहुत सारी चीज़ समझ में आ रही है, पता लगता है कि बहुत सारी स्टोरीज हैं जो बना दी गई, लेकिन हाँ इतना डिफरेंस ज़रूर है कि जो जितने भी अरेबिक फेथ्स हैं या वो हैं, इसमें आप अगर काउंटर क्वेश्चन करोगे ना जितने भी आपके ये मतलब इसकी सेंट्रल फिगर्स हैं, तो सीधा ही बोलते हैं कि हाँ आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते, दिस इज इट एंड यू हैव टू बिलीव इट। जबकि बस हिंदू होने का ये एक छोटा सा वो है कि आप मंदिर में खड़े होके बोल सकते हो कि मैं आपके राम को नहीं मानता, आपके कृष्ण को नहीं मानता, लेकिन तब भी कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा, वो सीधा ये बोलते हैं, मुझे लिटरली ये बोला है मतलब मेरे फादर ने भी और बाकी सब ने भी कि तुम्हें नहीं मानना मत मानो, तुम्हारा भगवान तुम मतलब तुम नहीं मानना चाहते तुम मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है, हम मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम मानेंगे, बस इतनी सी बात है मैम, मतलब इतना नहीं, सा कहना हम चाहूंगा। मानते हैं इस चीज को कि देखो, ये तो हमने कभी कहा नहीं ना कि हमें पता है कि भैया सर कलम जो कर रहे हैं वो जाके मुसलमान ही कर रहे हैं, चंद मुसलमान कर रहे हैं, सारे तो वो नहीं कर रहे ना, नहीं हमारी नहीं मैम, सारी बिल्कुल बिल्कुल फैमिलीज हैं। बिल्कुल 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 मगर भी नहीं, आप, मगर मेरे लिए यही तो शॉकिंग बात थी कि जो ट्रोलिंग और जिस तरीके के कमेंट्स ये जो सनाटनी से आ रहे हैं हमको, तो वो जी बिल्कुल मैम, वैसे ही सेम है। और अगर इतने ये लोग अच्छे होते तो जो हिंदुइज्म के अगेंस्ट बात करते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, वो लोग अपनी शक्लें नहीं दिखाते हैं क्योंकि उनको धमकियां आती हैं। आप साइंस जर्नी है, उससे पूछो उसको कितनी धमकियां आ रही होती हैं, ये यस सनातनी मैम, भेज रहे होते हैं उनको। तो द थिंग इज कि फनेटिकिज्म पहले शायद नहीं हुआ होता होगा हिंदुइज्म में। मैं तो बार बार ये बोलती हूँ कि पहले ये ज्यादा लिबरेटेड थे, अब और ज्यादा कंजर्वेटिव होते जा मैम रहे हैं। एग्जैक्टली मैम, जितना मैं पढ़ता हूँ मतलब थोड़ा बहुत, जैसे मैंने थोड़ा बहुत नहीं मतलब इसके बारे में जैसे अभी मैंने थोड़ा आपकी लिए लाइव स्ट्रीम देख के पढ़ना शुरू किया है मैम, वही है कि जैसे आप बता रहे थे कि टेम्पल्स हैं बहुत सारे, मैम एक ओपन माइंडेड सोसाइटी मेरे हिसाब से तब होती थी, क्योंकि जितनी भी मूर्तियां हैं जितनी भी एक्सकेवेशन में आर्कियोलॉजिस्ट उसमें निकलती हैं, तो मैम उनकी जो मतलब जो फीमेल्स हैं उनकी अपर बॉडी भी वो होती थी, तो एक एक न्यूड ऐसी होती है। सोसाइटी, यस मैम न्यूड नहीं कह सकते, सेमी न्यूड, क्योंकि लोअर जो पार्ट होता है वो कवर्ड होता था, लेकिन हाँ, एक टॉप वाला पार्ट जो है वो नहीं मगर होता था, देयर तो टॉपलेस, टॉपलेस हैं। तो एग्जैक्टली मैम, तो एक इस तरह भाई की सोसाइटी इनके थी कि उसमें पहले क्या होता था कि जो लेबरेस्ट पे बता सकती ज्यादा है, इन लोगों के उसमें ब्रेस्ट टैक्स लगता था कि मैम जो साउथ में, निर्वा थे दलित नहीं की नहीं नहीं होती है नहीं औरतें। नो नो मैम, मैम, साउथ साउथ में में। त्रावणकोर, नहीं नहीं ओके वो मैं आपको ओके बता रहा हूँ, ओके, नहीं दो नहीं मैं बता देता हूँ, मैं सेकंड। आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो जो आप ब्रेस्ट टैक्स की बात कर रही हैं, वो जो स्टेट ऑफ ट्रावणकोर है उसकी बात आप कर रही हैं, जो कि एग्जैक्टली 1900 एग्जैक्टली नॉट के मैम, आसपास लगा है, और वो नंगेली वाली स्टोरी पूरी की पूरी बताते हैं बार बार, मैंने उसे पूरा चेक किया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है, अगर आप लेबल कहीं से ही पढ़ रही हैं, तो ये कम्युनिस्ट वाला जो एक प्रोपोगेंडा है वो इंसर्ट किया गया, क्योंकि स्टेट ऑफ ट्रावणकोर ने खुद बोला है, क्योंकि जैसे देखिए मान के चलिए आपके यहाँ पे एक स्टेट है कलट, अगर वो अपना कोई भी ऐसा एक लॉ निकालेगा तो वो बोलता है कि भाई ये पेपर है इस हिसाब से निकालो, और एक चीज होती है वो होती है आउटरेज ना, उस टाइम पे अगर आप मान के चलो उस टाइम पे मीडिया और न्यूज़पेपर इंडिया में थी, ठीक है, इंडिया में मीडिया और न्यूज़पेपर बहुत एक्टिव थी, और एक ऐसा एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी भी था जो कि इन सब चीजों को बोल के ना इंडिया के लोगों को हमेशा मतलब क्या कहते हैं वो तुम गलीज हो, तुम इंफीरियर बेकार हो, हो, इंफीरियर तो हो। वहाँ हाँ इंफीरियर वाला, वो सेगमेंट देने के लिए ऐसे पॉइंट्स बहुत स्ट्रेंथन होते हैं। अब क्या है
पिछले जो है ना 2014 या फिर 12 के बाद जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया, ठीक है, तब लोगों को बोला कि क्योंकि आप उसका रेफरेंस देखोगे, उसका रेफरेंस मिलता है आपको 2006 में, और कम्युनिस्ट लोगों के जो दिमाग होता है ना मैम बहुत तेज होता है, इन लोगों ने पूरी की पूरी पीडीएफ और एक पूरी मैनुअल बना रखी किस हिसाब से इंस्टीट्यूशन में एंटर करना है, तो वहां पे तो फाइट करना भैया मतलब कि आपको कम से कम 30 साल लगेंगे, पहले आप इंस्टीट्यूशन में घुसोगे उसके बाद चीजों कर पाओगे, और ये नंगेली वाला ओके, नहीं है। बोल दीजिए प्लीज। मेरा आपसे सवाल ये है कि मंदिर में आप खड़े होके बोल सकते हो कि मैं आपके भगवान को नहीं मानता, ये कौन लोग बोल सकते हैं? ये दलित दलित बोल सकता है, अशूत बोल सकता है, या ब्राह्मण बोल सकते हैं? मैम जो सुनो सुनो, देखो मैं सिंपली समझा देता हूँ, ठीक है, अभी अगर मैं जाके चिल्ला के वहां जाके बोलूंगा, ठीक है, तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, भाई तू पागल आगल हो गया, तू ऐसा कर, तू यहाँ का माहौल मत खराब कर, आप यहाँ से निकल जाओ अगर आप यहाँ को नहीं मानते हो। अगर आपको जाके वहां पे चुपचाप जाके अगर सामने मूर्ति के जाके धीरे से बोला है तो आप वो भी बोल लो, इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटालिटी कि आपको कैसे बोलना है। हाँ, हाँ, नमाज पे मस्जिद में खड़े होके बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, आप जो कह रहे हो कि जो कम्युनिज्म है या जो भी है, आप मुझे बताओ आप कहाँ से हो, आपकी कास्ट क्या है? मेरी कास्ट, देखो आप पहले तो एक चीज समझो, कास्ट जो है ना, और मैं सुन तो पहले आपको समझा देता हूँ, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ मैडम, सुन तो लबेल जी, लबेल जी, लबेल जी, लबेल जी, छोटा सा लबेल जी, दो दो बंदे मेरे पे चढ़ाई ना करें मैम। नहीं नहीं सर, ठीक है जी, आप चुप रहिए, मैं लबेल लबेल जी से बोल रहा हूँ, लबेल जी पहले सुन तो लो, आप नहीं कर रहे हैं, देखिए तीन चार टर्म मतलब समझ लेते हैं, अकरम को लेना प्लीज, ठीक है, एक होता है कास्ट, ठीक है, दूसरा होता है एक जाति, आपको पता, अगर आप मेरे से मेरी जाति पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, जाति बता दो, एक जाति बता, हाँ, दो, क्या है जाति? जाति है मेरी कंडवार। और कास्ट क्या है? जाति मेरी कंडवार है, कास्ट होती नहीं है। ओह, मेरी कास्ट नहीं है वो, एक मिनट, पहला वर्ड को सुन लो, पहला वर्ड को सुन लो, पहला वर्ड को सुन लो, देखो कास्ट, कास्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप उसको एग्जैक्ट डेफिनेशन में पढ़ोगे तो ये है कि आपकी काफी सारी जनरेशन, मैडम पहले सुन तो लीजिए, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। आप चिल्ला रहे हो, मालिक प्लीज, ये अक्रम को आप ले लें, आपसे मेरी दरख्वास्त है, और दूसरी बात ये कि आप चिल्ला रहे हैं, मैंने सिर्फ आपकी दुखती रख पे पांव रखे हैं। अरे वो मेरा पास में है मैडम, इसलिए तो मैं आपको रिकमेंड ही करूंगा कि आप कास्ट और जाति को समझ के जाने। अब मैं आपको एक छोटी सी बात ना कंक्लूडिंग में बताता हूँ, फिर आप मेरे का माइक ऑफ कर देना, ठीक है। जाति में ट्रांजिशन होता था, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता था, तो अकबर के समय पे एक राजा था जिसने अकबर को हराया, हराया तो नहीं था, मतलब अकबर ने उसको हरा दिया था, वो शेरशाह सूरी के साथ था, उसका नाम है विक्रमादित्य हेमू। विक्रमादित्य हेमू जो था, आप उसके बारे में पढ़ लेना, वो नमक बेचता था, और नमक बेचने के बाद जो है वो बाद में राजा बन गया। तो ये क्या है कि आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो जाति वाले सेगमेंट में, बट आप कास्ट वाले में नहीं कर सकते। अगर आज के समय पे महली जी अगर इस चीज को फिक्स कर दें, तो ये अगेन एक कास्टिज्म हो जाएगा। जैसे कि बॉलीवुड या हॉलीवुड में क्या होता है कि एक्टर का बेटा एक्टर ही बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा। अभिषेक भाई, मैं एक चीज छोटी सी पूछना चाहूंगा आपसे। मैंने ये भी पढ़ा है कि जैसे कहीं पे बताइए, जो अशोक था, अकरम भाई दो मिनट बस, जो सम्राट अशोक थे वो मतलब जो बिंदुसार थे, उनके जो मतलब वाइफ थी, तो उनकी मतलब दासी से थे वो जो सम्राट अशोक थे, एंड शी वॉज फ्रॉम अ दलित कम्युनिटी, ठीक है, ऐसा ही कुछ था। लेकिन उसके बाद अगर ऐसा एंशियंट इंडिया में एग्जिस्ट करता था कि एक दलित उससे दलित वुमेन से पैदा हुए हुए आपने एक बेटे को अपने राजा बना दिया, तो उसके बाद आप ये बताइए, ये चीज तो रियल है ना, कि हमारी आज की सोसाइटी में ये चीज आप इसे डिनाई नहीं कर सकते कि हमारी आज की सोसाइटी में चमार और ये भंगी है, ये इस तरह के स्लैंग्स यूज होते हैं, ये चीज यूज होती है, आप इस चीज को नहीं मना कर सकते, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं ये चीज कहाँ से आई, ये चीज तो गलत है ना, और ये चीज होती है हमारी सोसाइटी में, हम इस चीज के लिए झूठ क्यों बोल रहे हैं? होती है ठीक है मैम, मालिक सर, मालिक मालिक और एक करते हैं, क्या क्या मैं जी आप कंट्रोल ले लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा, बट मेरे को कोई इशू नहीं है। अशोक एक सेकंड के लिए, अभिषेक जी आपको काफी मैंने टाइम दिया है, अब मुझे और लोगों को भी देना है, तो आपको मैं अभी नीचे बिठा रही हूं।